हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वैकेंसी पाठशाला। तो यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे डिवीज़न अलॉटमेंट कर दिया गया है, जो आपके एलपी टेक्नीशियन की जो वेटिंग पैनल यहाँ पे जारी किया गया था, आरआरबी। यहाँ पे देख सकते हो आरआरबी मुंबई जोन की तरफ से यहाँ पे ये डिवीज़न अलॉटमेंट किया गया है सेंट्रल रेलवे की तरफ से। यहाँ पे तो कितनी कैटेगरी के लिए यहाँ पे डिवीज़न अलॉटमेंट किया गया, 134, 62, 84, 31, 137, 15, 126, 47, 44, 49, 52 और 51 और 54 में देख सकते हो। इतनी सारी कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपके डिवीज़न अलॉटमेंट किया गया है। तो आपकी जो भी कैटेगरी उसके अनुसार आप देख सकते हो कि आपका डिवीज़न कहाँ पे अलॉटमेंट किया गया है। ऑल पोस्ट वाइज, सभी पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवीज़न अलॉटमेंट किया गया है। किस किस डिवीज़न का यहाँ पे आया है आप यहाँ पे देख सकते हो। अपॉइंटमेंट लेटर कब तक आ सकता है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। रीमेडिकल भी कब तक हो सकता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला जो आपका डिवीज़न अलॉटमेंट किया गया है, कैटेगरी नंबर 54 के टेक्नीशियन ग्रेड था इलेक्ट्रिकल TRS वाले जो पोस्ट है, जो आपका पैनल जारी किया गया था 2/8 को डेट को, यानी 2 अगस्त को जो आपके पैनल जारी किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो सेंट्रल पर्सनल डिपार्टमेंट सेंट्रल रेलवे। तो यहाँ पे देख सकते हो डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे आरआरबी मुंबई जोन की तरफ जो पैनल जारी किया गया था 16 स्टूडेंट का, इसमें देख सकते हो TRS वाले जो पोस्ट थी आपके CN नंबर 01/2018, तो इसमें आप देख सकते हो डिविजनल डिस्ट्रीब्यूशन 16 स्टूडेंट कैंडिडेट फॉर द यहाँ पर कैटेगरी दी गई है आरआरबी मुंबई जोन। फर्दर इंक्वायरी में भी डन विद द डिविजन अलॉटमेंट, नो चेंज रिक्वेस्ट एंटर्ड। यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई। यहाँ पे सीरियल नंबर दिए गए 16 स्टूडेंट के, यहाँ पे रोल नंबर मेंशन किए गए, तो आप अपना रोल नंबर इसमें नाम और यहाँ पे कौन सी कम्युनिटी से आपको सेलेक्ट किया गया था यहाँ पे कम्युनिटी देख सकते हो। और कौन सा डिवीज़न आपको अलॉटमेंट किया गया था, यहाँ पे आरआरबी सेंट्रल रेलवे में जो आपके डिवीज़न आते हैं, एक तो भूसल होता है, एक भूसल है, एक मुंबई है। तो सेंट्रल रेलवे की तरफ से आप देख सकते हो एक तो भूसल भूसवाल और यहाँ पे आपके जो मुंबई है, मुंबई की मुंबई 2 जून, यहाँ पे 2 डिवीज़न यहाँ पे अलॉटमेंट किया गया। तो यहाँ पे आप देख कैंडिडेट सेलेक्ट अनरिजर्व कैटेगरी से यहाँ पे सेलेक्ट किया गया। तो यहाँ पे सारी कैटेगरी यहाँ पे दिखी गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपका पोस्ट है उसके लिए डिवीज़न अलॉटमेंट, कितने स्टूडेंट का डिवीज़न अलॉटमेंट किया गया है। अगले जो पोस्ट है आपकी कैटेगरी नंबर 51 की, जो आपकी पोस्ट है इलेक्ट्रिकल TRD वाली जो पोस्ट है, 4/8 के डेट में यानी 4 अगस्त को जो पैनल जारी किया गया था उसमें 1 स्टूडेंट की यहाँ पे वेटिंग क्लियर की गई। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो नेहरू मेहता इनका नाम है, मेहता, और यहाँ पे देख सकते हो इनका रोल नंबर मेंशन किया है, OBC कैटेगरी थी इनकी और इनको मुंबई डिवीज़न और यूनिट यहाँ पे देख सकते हो कौन सा यूनिट यहाँ पे इनको दिया गया। तो आरआरबी मुंबई जोन की तरफ इनको डिवीज़न अलॉटमेंट किया गया, तो मतलब इनको आरआरबी मुंबई जोन में ही इनको अब मतलब अपॉइंटमेंट लेटर वहीं से इनका जारी किया जाएगा और वहीं इनको जॉब लोकेशन दी जाएगी। तो यहाँ पर डिवीज़न देख सकते हो आरआरबी मुंबई जोन। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। अगली बात करें यहाँ पे टेक्नीशियन 52 जो कैटेगरी है आपकी इलेक्ट्रिकल TRD OHE वाली जो पोस्ट है, 4/8 के डेट में 4 अगस्त को जो आपको पैनल जारी किया गया था आरआरबी मुंबई जोन की तरफ से, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 14 स्टूडेंट का यहाँ पे डिवीज़न अलॉटमेंट किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें इसमें मैंशन की गई थी, अपनी कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हो। तो यहाँ पे 14 स्टूडेंट का यहाँ पे रोल नंबर, नाम, कम्युनिटी और यहाँ पे कौन सा इनको डिवीज़न और यूनिट यहाँ पे अलॉट किए गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले जो 4 कैंडिडेट इनको सोलापुर दिया गया है, यहाँ पे 5 कैंडिडेट को मुंबई जोन दिया गया है, मुंबई डिवीज़न दिया गया है, उसके बाद में सोलापुर। तो यहाँ पे सोलापुर और मुंबई डिवीज़न इनको अलॉटमेंट किया गया, सारी चीज़ इसमें दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। आगे बात करें तो यहाँ पे जो आपके जिनको स्टार लगा रखे हैं उनको अनरिजर्व अगेंस्ट द पोस्ट, यहाँ पे इनके देख सकते कैंडिडेट सेलेक्ट अगेंस्ट द अनरिजर्व पोस्ट, मतलब इनकी जो पोस्ट थी वो अनरिजर्व थी पर इनको OBC कैटेगरी से यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, जो इनके स्टार लगे हुए हैं यहाँ पे देख सकते। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। अगली जो कैटेगरी है यहाँ पे आप देख सकते कैटेगरी नंबर आपकी 49 टेक्नीशियन ग्रेड इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग वाली जो पोस्ट थी आपकी 8/8 को, मतलब 8 अगस्त को जो आपको पैनल जारी किया गया था उसी के लिए यहाँ पे देख सकते हो 13 स्टूडेंट का इसमें डिवीज़न अलॉटमेंट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ इसमें मेंशन की गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो एक तो मुंबई जोन, एक सोलापुर जोन, एक भोसवाल जोन, यहाँ पे भोसवाल डिवीज़न यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हो भोसवाल। तो यहाँ पे 3 डिवीज़न यहाँ पे अलॉटमेंट किए गए कैटेगरी वाइज, सारी चीज़ इसमें दी गई। तो आप अपना इसमें देख सकते हो आपको कौन सा डिवीज़न अलॉटमेंट हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। अगला जो आपका डिवीज़न अलॉटमेंट किया गया है यहाँ पे देख सकते कैटेगरी नंबर 44 इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप वाली जो पोस्ट है, 12/8 के डेट में जो आपका पैनल जारी किया गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो 12/8 के दिन 12 अगस्त का जो पैनल जारी किया गया था, तो यहाँ पे देख सकते हो पर्सनल डिपार्टमेंट सेंट्रल रेलवे की तरफ से आरआरबी मुंबई जोन से 23 स्टूडेंट का यहाँ पे डिवीज़न अलॉटमेंट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे इनका डिवीज़न अलॉटमेंट हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिवीज़न एंड यूनिट यहाँ पे CWM EWC बुआसवाल, यहाँ पे देख सकते हो बुआसवाल, यहाँ पे इनको डिवीज़न दिया गया। उसके बाद में नासिक रोड पे मिला है किसी को यहाँ पे मटुंगा मिला है, उसके बाद में यहाँ पे भोसवाल में मिला है मटुंगा भोसवाल नासिक रोड। तो 3 यहाँ पे डिवीज़न अलॉटमेंट किया गया, एक तो नासिक पे और एक मटुंगा पे और एक यहाँ पे भोसवाल में।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। अगली जो कैटेगरी है यहाँ पे कैटेगरी नंबर 27 में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर वाले जो पोस्ट 12/8 की डेट में आपको पैनल जारी किया गया था आरआरबी मुंबई जोन की तरफ से। तो सेंट्रल रेलवे में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर वाले जो पोस्ट है यहाँ पे 22 स्टूडेंट के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे रोल नंबर देख सकते हो, नाम देख सकते हो, कम्युनिटी देख सकते हो और यहाँ पे डिवीजन अलॉटमेंट देख सकते हो, कहाँ हुआ है, किसी का मुंबई हुआ है, किसी का भोसवाल में हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सोलापुर में भी हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हो सोलापुर, भोसवाल, नासिक, यहाँ पे देख सकते हो जो भी आपका इसमें हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। अगली जो कैटेगरी आपके यहाँ पे दी गई है 126 कैटेगरी में जो आपकी पोस्ट आती है टेक्नीशियन आरएसी वाली जो पोस्ट है, रेफ्रिजरेटिंग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन वाली जो पोस्ट है 12/8 के दिन 12 अगस्त को जो आपको पैनल जारी किया गया था उसमें 4 स्टूडेंट का यहाँ पर डिवीजन अलॉटमेंट किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 स्टूडेंट सेंट्रल रेलवे और यहाँ पे मुंबई जोन मुंबई डिवीजन इनको अलॉटेड किया गया है। मुंबई डिवीजन से ही अब इनको अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पे भेजा जाएगा और मुंबई जोन से ही इनका रीमेडिकल भी यहाँ पे लिया जाएगा, ये इसमें दिखाएं। अगले बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। अगली जो आपकी पोस्ट है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपके जो आपके टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ब्रिज वर्कशॉप वाले जो पोस्ट है 12/8 की डेट में आपका जो पैनल जारी किया गया था इसमें 6 स्टूडेंट का यहाँ पे डिवीजन अलॉटमेंट किया गया था। यहाँ पे कहाँ इनका डिवीजन अलॉटमेंट किया गया था यहाँ पे आप देख सकते हो CWM मनमाद में इनका जो आपका डिवीजन अलॉटमेंट किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ आपका हुआ, 6 स्टूडेंट के यहाँ पे नाम और रोल नंबर सभी दिए गए हैं। अगली कैटेगरी की बात करें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 137 जो कैटेगरी में आप पोस्ट आती है टेक्नीशियन ग्रेड ट्रैक मेंटेनर वाले मशीन वाले जो पोस्ट है 8/8 की डेट में यानी 8 अगस्त को जो आपका पैनल जारी किया गया था आरआरबी मुंबई जोन से सेंट्रल रेलवे के लिए। तो यहाँ पे टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे देख सकते हो 1 स्टूडेंट के यहाँ पे जिनका नाम नवेद है तो इनका अनरिजर्व कैटेगरी है और इनको DHCETM भुवासवाल में इनको डिवीजन अलॉटमेंट किया गया था यहाँ पे आप देख सकते हो। अगली जो कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 31 टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड डीजल इलेक्ट्रिकल जो 8/8 की डेट में यानी 8 अगस्त को जो आपका पैनल जारी किया गया था उसी में यहाँ पे आपके 2 स्टूडेंट के इसमें डिवीजन अलॉटमेंट किया गया है, इनके नाम दिए गए हैं। एक अनरिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है, एक ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट है। यहाँ पे देख सकते हो अनरिजर्व थी इनकी भी पर इनको ओबीसी कैटेगरी में सेलेक्ट किया गया। आरआरबी यहाँ पे देख सकते हो मुंबई मुंबई डिवीजन इनको दिया गया है तो यहाँ पे मुंबई डिवीजन की तरफ से इनको अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाएगा। अगला जो यहाँ पे पैनल जारी किया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकेनिकल जो आप KT4 कैटेगरी की जो टेक्नीशियन ग्रेड मशीनिस्ट वर्कशॉप वाली जो पोस्ट है 12/8 की डेट में यानी 12 अगस्त को जो आपका पैनल जारी किया गया था 3 स्टूडेंट का यहाँ पे डिवीजन अलॉटमेंट किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हो इनके रोल नंबर मेंशन किए गए, नाम मेंशन किए गए, कैटेगरी एक ओबीसी कैटेगरी के हैं, 2 SC कैटेगरी के, CWM मटुंगा इनको डिवीजन अलॉटमेंट किया गया। तो तीनों को यहाँ पे एक ही तीनों को जो तीनों स्टूडेंट के यहाँ पे रोल नंबर दिए कैंडिडेट के उनको CWM मटुंगा इनको डिवीजन अलॉटमेंट किया गया है। अगली कैटेगरी है आपकी यहाँ पे मैकेनिकल 62 में बात कर रहे थे। यहाँ पे जो 62 कैटेगरी में आपकी जो पोस्ट आती है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड फिटर वाले जो पोस्ट है 16/8 की डेट में यहाँ पे देख सकते हैं 16 अगस्त को जो आपका पैनल जारी किया गया था उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो आपका डिवीजन अलॉटमेंट किया गया यहाँ पे आप देख सकते हो 40 स्टूडेंट का इसमें डिवीजन अलॉटमेंट किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके सीरियल नंबर देख सकते हो, रोल नंबर मेंशन किए गए, नाम मेंशन किए गए, कैटेगरी कौन सी यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मुंबई डिवीजन भी है, भुवासवाल डिवीजन भी है और यहाँ पे अगला जो डिवीजन यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ही यहाँ पे इसमें डिवीजन अलॉटमेंट किए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको कौन सा डिवीजन अलॉटमेंट हुआ है इसमें आप देख सकते हो अपने नाम और रोल नंबर के अनुसार। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैनल की। 62 के बाद में अगली जो कैटेगरी है आपकी 134 कैटेगरी में जो आपकी सिग्नल वाली पोस्ट आती है ST वाली, तो इसमें जो आपके टोटल 38 स्टूडेंट का इसमें टोटल जो पैनल आया था 38 स्टूडेंट का इसमें 38 कैंडिडेट का यहाँ पर डिवीजन अलॉटमेंट किया गया है। यहाँ पे देख सकते हो रोल नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, उसके बाद में यहाँ पे नाम दिए गए अनरिजर्व कैटेगरी है इनकी और यहाँ पे जो डिवीजन और यूनिट कौन सी है तो इनकी भुवासवाल है, फिर मुंबई है, सोलापुर है। तो आप अपनी कैटेगरी वाइज अपना देख सकते हो आपको कहाँ पे डिवीजन अलॉटेड किया गया, तो इसमें देख सकते हो सोलापुर भी दिया गया है तो आप अपना अनुसार देख लें कि आपको कहाँ पर मिला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। लास्ट जो फाइनल यहाँ पे डिवीजन अलॉटमेंट किया गया टेक्नीशियन ग्रेड टेली वाली टेलीकम्युनिकेशन वाली जो पोस्ट है आपकी, इसमें आपके 11 स्टूडेंट का यहाँ पे देख सकते हो डिपार्टमेंट ST वाली सिग्नल रेल कनेक्शन ST पोस्ट डिपार्टमेंट दिया गया है आरआर मुंबई जोन की तरफ से। टेक्नीशियन ग्रेड टेलीकम्युनिकेशन वाली जो पोस्ट थी उसमें 11 स्टूडेंट का यहाँ पे पैनल जारी किया गया था आरआर मुंबई जोन की तरफ से सेंट्रल रेलवे के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 11 स्टूडेंट का यहाँ पे डिवीजन अलॉटेड कर दिए गए। आरआर मुंबई जोन मुंबई डिवीजन इनको मिला है, भुवासवाल डिवीजन मिला है, सोलापुर भुवासवाल
वर्सवाल और यहाँ पे सोलापुर थी। आप देख सकते हैं 11 स्टूडेंट के यहाँ पे रोल नंबर मेंशन किए गए, तो आप अपना इसमें देख सकते हो। जिसको जहाँ भी ट्यूशन मिला है वो उसको वहीं पे अब जॉब दी जाएगी, वहीं से इनका रीमेडिकल लिया जाएगा, रीमेडिकल भी वहीं से लिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते रीमेडिकल, उसके बाद में अपॉइंटमेंट लेटर भी इनको वहीं से यहाँ पे भेजा जाएगा। अगर आपको मुंबई मिला है तो मुंबई जोन की तरफ से आपकी सारी कार्रवाई की जाएगी, और अगर आपको भोसल मिला है तो भोसल की जोर से, सोलापुर मिला है सोलापुर जोर से, मटुंगा मिला है तो मटुंगा की तरफ से। तो यहाँ पर आपका डिवीजन अलॉटमेंट हो गया, वेटिंग क्लियर हो गई, सबसे पहले उसका डिवीजन अलॉटमेंट हो गया। अब आपका रीमेडिकल एग्जामेशन लिया जाएगा जो आपके नेक्स्ट मंथ शेड्यूल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट मंथ में आपका रीमेडिकल भी हो जाएगा 100% श्योर, जैसे वो आएगा मैं आपको बताऊँ। उसके बाद में आपके अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया जाएगा, या तो स्पीड पोस्ट के थ्रू आ जाएगा, या फिर आपको ईमेल के थ्रू आ जाएगा, या फिर कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि मतलब जैसे आप रीमेडिकल देने जा रहे हो तो वहीं आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी भेजा जा रहा है। अगर ये बात सच है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको ऐसे अपडेट मिलती रहे।